डी का, या उसे हम कहें बोरोडीन रिएक्शन के बारे में जानेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है नेम रिएक्शन के हिसाब से भी। ये इंजीनियरिंग, मेडिकल्स और सेमेस्टर और मास्टर्स सब में ये रिएक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिए आप। ये जो है हुंस डी का रिएक्शन, इसे इसलिए कहते हैं कि इस रिएक्शन को दो साइंटिस्ट थे, हेंस हुंस डीकर और क्लियर हुंस डीकर, उन्होंने दिया था। और कुछ वेरिएशन के साथ सेम रिएक्शन को बोरोडीन, अलेक्जेंडर बोरोडीन ने भी दिया था, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोरोडीन रिएक्शन भी कहते हैं। तो कहीं भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो दोनों रिएक्शन सेम। इस रिएक्शन में होता क्या है कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड हीट, यानी कि एक नॉन पोलर हमें सॉल्वेंट लेना होता है। तब क्या होता है, हमें ऑर्गेनिक हैलाइड मिलता है और इसके साथ साइड प्रोडक्ट के रूप में AgBr और CO2 भी मिलता है। अब जो यहाँ पे हम R ग्रुप लिए हैं वो क्या हो सकता है, वो एलिफैटिक या एरोमेटिक दोनों हो सकता है, यानी कि जो हुंस डी का रिएक्शन है या बोरोडीन रिएक्शन है, ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दोनों देते हैं। और यहाँ पे हम लोग उसके लिए सिर्फ अंतर क्या रहेगा कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेना होगा, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना होगा, और एरोमेटिक हैलाइड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट को लेना होगा। हमें हर केस में क्या होगा, एलिफैटिक या एरोमेटिक हैलाइड, इससे हम लोग काफी अच्छे से काफी अच्छा होता है फॉर्म कर सकते हैं। और जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होते हैं वो ये रिएक्शन और काफी अच्छे से देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे फॉर्म करता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिफैटिक या जिस तरह का हमें ऑर्गेनिक हैलाइड बनाना होता है उस तरह का हम लोग एसिड ले लेते हैं, एलिफैटिक या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, और उसको हम लोग AgOH के साथ रिएक्ट कराते हैं। AgOH क्या है, एक बेस है। तो एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक सॉल्ट बनता है, सिल्वर सॉल्ट। अगर हम AgOH लिए हैं तो क्या होगा, सिल्वर सॉल्ट बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। कैसे, क्या होता है, यहाँ से OH बेस का और सॉल्ट का H, ये दोनों मिलके क्या होते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और यहाँ से सिल्वर यहाँ पे आके ऐड हो जाता है। सिंपल, जैसे सारे एसिड बेस रिएक्शन होते हैं उसी तरह। अब जो ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें देखिए इस ऑक्सीजन और इस सिल्वर के बीच में कैसा एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो है ये नॉन मेटल है, और ये सिल्वर जो है ये भी नॉन मेटल है। तब नॉन मेटल और मेटल के बीच का ये कैसा बॉन्ड फॉर्म होता है, हमेशा एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो क्या होगा, हमेशा सिल्वर पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा। तो जब ब्रोमीन जो है जब इसके तरफ अट्रैक्ट होगा तो Br के माइनस वाला पार्ट जो है वो सिल्वर की तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये जो है AgBr, ये दोनों मिलके AgBr बना देते हैं और बाहर निकल जाते हैं AgBr, और ये वाला Br जो है यहाँ पे आके ऐड हो जाता है। अब जो ये ऑक्सीजन है और ये जो ब्रोमीन है वो दोनों का दोनों क्या हो गया, नॉन मेटल है। अब इनके बीच में जो बॉन्ड ये फॉर्म कर गया, तो ये काफी जो मॉलिक्यूल होता है ये काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। वजह क्या है, ये ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और ये ब्रोमीन के पास भी लोन पेयर है। अब ये दोनों लोन पेयर, इनके भी ऑक्सीजन के भी और ब्रोमीन के, ये क्या करते हैं, आपस में इनके बीच में काफी ज्यादा रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है काफी अनस्टेबल हो जाता है। और ये वाला जो बॉन्ड होता है ऑक्सीजन और ब्रोमीन के बीच में, वहां पे होमोलिटिक फ्यूजन होता है, यानी कि ये ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस बॉन्ड का और ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इस तरह से दो नए रेडिकल फॉर्म करेंगे, RCO ऑक्सीजन पे एक रेडिकल और ब्रोमीन रेडिकल, ये दो क्या होगा, रेडिकल फॉर्म कर जाता है यहाँ से। अब ये जो RCO है ये भी काफी अनस्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से इजिली क्या है CO2 निकल सकता है, जहां भी CO2 निकल सकता है वो वहां से निकलता है, कैसे, क्योंकि ये इंट्रोपी फेवर्ड होता है। तो ये कार्बन और ये जो अल्काइल या हम कोई भी एलिफैटिक या एरोमेटिक ग्रुप यहाँ पे जो लिए हैं उसके बीच और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड जो होगा वहां पे होमोलिटिक फ्यूजन हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पे चला जाता है और ऑक्सीजन वाला एक बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं, और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इस आर के पास आ जाता है और क्या होता है, एक नए रेडिकल का फॉर्मेशन। अब ये जो नया रेडिकल फॉर्म हुआ है, जो रिएक्शन मिक्सचर में और भी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, क्योंकि केवल हमने एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट नहीं लिया, काफी ज्यादा लिया रहता है, तो उसके ऊपर ये क्या करता है, अटैक कर देता है,
और अटैक करके क्या होता है, ये ब्रोमीन जो है इसके साथ ऐड हो जाएगा और ऑर्गेनिक हैलाइड फॉर्म करेगा और फिर से ये RCO ग्रुप RCO रेडिकल जो है फॉर्म होता है। क्या होता है, ये RCO रेडिकल जो है वो फिर से यहाँ से CO2 निकल जाएगा, यहाँ से फिर से CO2 निकल जाएगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा, इससे फिर से एक R रेडिकल हमें मिल जाएगा। जिस तरह दूसरे रेडिकल रिएक्शन में हम इनिशिएशन टर्म और इनिशिएशन रिएक्शन होता है, उसके बाद प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन होता है, सेम इसी तरह का पैटर्न ये भी फॉलो करता है। इस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनिशिएशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशिएशन हो रहा है, इसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, प्रोपोगेशन हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, प्रोपोगेशन हो रहा है। अब ये रेडिकल रेडिकल मिलके क्या करेंगे, टर्मिनेशन करेंगे। यहाँ पे जो R ग्रुप है वो एलिफैटिक या एरोमेटिक दोनों हो सकता है। वैसे ही हम जो ब्रोमीन लेते हैं उसके जगह पे हम क्लोरीन और आयोडीन दोनों ले सकते हैं। क्लोरीन के केस में क्या होगा, सेम इसी तरह का रिएक्शन होगा और ऑर्गेनिक ब्रोमाइड की जगह ऑर्गेनिक क्लोराइड हमें मिलेगा। लेकिन आयोडीन के केस में क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गेनिक हैलाइड की जगह हमें ऑर्गेनिक इस्टर मिलता है। तो यानी कि ये एक स्पेशल केस है, हमेशा याद रखिएगा कि आयोडीन अगर प्रेजेंस है तो सेम रिएक्शन में क्या होगा, इस्टर का फॉर्मेशन होगा। आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हुंस डीकर का वेरिएशन के बारे में जानेंगे और भी ये सेम रिएक्शन को डिफरेंट रिएक्टेंट लेके किस तरह से होता है, क्योंकि वो एग्जाम में बहुत